भाई साहब को तेंदुआ दिखा था है? परसों, और कह रहे लंगूरों ने जाने नहीं दिया, चिल्ला लंगूर इतने चिल्लाए, फिर मैं लौट गया, मुझे डर लगा कि कोई है। कितने मुर्गे कितने मोर मैंने जीवन में नहीं देखे कभी। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे साथ जब आई गई थी नीलकंठ पैदल मार्ग पे, तो चलो भाई उनको पकड़ लो जरा, वैसे वो स्पीड में जा रहे हैं। वो भाई साहब आए थे ना राजस्थान से मिलने, तो जो एक बार मैं ऊपर चढ़ी थी वो उन्हीं के चाचा जी थे, और वो मृत्यु नहीं हुई उनकी, वो बच्चे ने बताया था ना कि मृत्यु हो गई। मैंने उससे पूछा था अभी, तो कह रहे हमने तो सुनने में आया था वो वापस चले गए स्वर्ग आश्रम गीता भवन रहते हैं वो। इतना खाली तो मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये दृश्य कैसे मिलेंगे देखने को, खाली है तभी तो देख पा रहे हो आप। अरे दो तीन और रोड क्रॉस कर रहे थे इधर, मैं ना नीलकंठ पैदल मार्ग लिखा है, मैं गलती से उधर चली गई तो वो अंदर चले गए। और ना मौसम ठंडा हो गया है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, उसमें भी मुझे गर्मी नहीं लग रही, हल्की सी है ये। जब थोड़ी बहुत ठंडक होती है तो मैं एसी को पहन के वॉक करती हूँ, मेरी ना ऑलराउंडर जैकेट है। नीलकंठ महादेव से वापस आने का ये रास्ता है, उधर पे लिखा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे बोर्ड्स ना आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब ऐसे लगाए हुए छोटे छोटे, ये भी ठीक है कि बड़े बोर्ड लगाने से, ये छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए। हाथी बाहुल्य क्षेत्र, कृपा वाहन से नीचे ना उतरें, यहाँ तो पैदल ही चल रहे हैं तो हम क्या करें। एक भाई साहब ने आप कमेंट किया कि भाभी जी आप ना बहुत, वो शायद नहीं जुड़े हैं, कि ना आप हाथियों के और लेपर्ड के कान खड़े जाते हैं ना, ये रास्ते बहुत दिखाती हो, आपने दिखाया तो एक भी नहीं है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो कि मुझे दिखे, का आवाज सुनवाई थी हाथी की, बस दिखवाया नहीं था, और या फिर गोबर दिखा देती हूँ मैं हाथियों का। पता है एक बात बताऊं आपको, जानवर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जानवरों का खतरा है, पर जानवर उनको नाम दिया गया है कि जानवर, इंसान है जानवर है, लेकिन वो सच में हमसे ज्यादा सभ्य हैं, वो ऐसे कभी अटैक नहीं करते। मुझसे भी पहले आए हुए लोग जा रहे हैं, देखो वापस जा रहे हैं, यहाँ खतरा है, अगर इसके अंदर गए तो फिर अटैक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने ये बंद कर दिया, क्योंकि लोग ना टॉयलेट करने चले जाते थे तो फिर हाथी वाती बहुत झुंड रहता है यहाँ पे, अब वो उनका घर है। ये देखो एक मोरिया, भाई साहब ने पूरा लट लिया हुआ है और पैदल मार्ग से वापस आ रहे हैं। हमारा पता क्या हो गया है, कैमरा लेके चलें, डंडा लेके चलें, क्या लेके चलें? अभी इधर दुकान नहीं खुली है क्योंकि ना यात्रा तो बंद हो गई है, मतलब वैसे चलती रहती है नॉर्मल जो चलती रहती है, पर अभी अंकल जी हैं वो 8 बजे तक आएंगे, और एक भी मुर्गा नहीं दिखाई दे रहा। 7:17 हो गए हैं, किसी दिन में अपने वहां से और वो जो पूरा गुजर डेरा जाता है ना वहां तक जाऊंगी दिन के टाइम में, मतलब ना जानवरों का टाइम होगा पानी पीने का, अभी तो खैर उनको अंदर मिल जाता है पानी तो अभी इतनी समस्या नहीं है, अंदर से खूब आवाज आ रही है पानी की तो वो बाहर नहीं आते हैं, उनको हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको शांति पसंद है तो वो बाहर नहीं आएंगे, वो अंदर ही रहेंगे। और जब जंगल में आई हूँ वॉक करने तो एक चीज जानवरों के लिए याद आती है, ये आती है देखो कि हम उनका घर उनसे छीनते जा रहे हैं। अभी रोड बिल्कुल जंगल के बीच में से तो निकाली गई और हम आ जा रहे हैं, क्या करें, अब रोड है तो लोग आएंगे भी पर उनका रास्ता छिन जाता है, फिर हमें भी अवेयर किया जाता है कि भैया उनसे डरो जानवरों का खतरा है। अब हमारे घर में कोई आएगा तो हमारा खतरा तो रहेगा ही ना
तो ऐसे उनके घर में हम हैं तो खतरा तो रहता ही है, लेकिन वो भी फिर भी हम एक बार डंडा उठा लेंगे, वो डंडा ऐसे नहीं उठाते जब तक उनको खतरा ना लगे। ये पूरी ना अंदर से आ रही है ऐसे, तो कहाँ आते हैं वो, बाहर आएंगे ही नहीं पीने के लिए, उनका मन ही नहीं है घूमने का। उनका मन गर्मियों में करता है थोड़ा सा, या फिर जब ये अभी तो भगवान की दया से ना उनको पानी बहुत मिल गया अंदर की साइड, नहीं तो वो प्यासे मरते हुए फिर बाहर आते वो। ऐसे लेपर्ड भी अटैक नहीं करता। लेपर्ड सुंदरवन की तरफ है जो मैन ईटर है, मतलब उस साइड है, इस साइड मैन ईटर नहीं हुआ है अभी तक, भगवान करे हो भी ना। पूरे रोड पे अकेली मैं चल रही हूँ, बीचों बीच ना ट्रैफिक है इधर आगे और पीछे। आप पता, आप सब बोलते हो भाभी जी जंगल में मत जाया करो, मेरे को वो टार्जन लेडी टार्जन वाली फीलिंग आती है यहाँ पे आके। हालांकि टार्जन जो मैन टार्जन था वो तो एक अलग ही था, पर मुझे ना इतना डर नहीं लगता। बीच बीच में अलर्ट रहना पड़ता है, आवाजों पे ध्यान देना पड़ता है, जंगल में यही है। अगर कोई बर्ड बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं तो वो अलर्ट दे रहे हैं कि भैया जानवर आपके आसपास है, वो खुद को भी अलर्ट कर रहे हैं ना, तो उस उनके साउंड पे अलर्ट रहना चाहिए। पैदल मार्ग पे जाने वाले लोग आ गए हैं, बच्चे हैं। कहाँ जा रही है नीलकंठ? और कहाँ जा रही है? पैदल पैदल जाएगी, चली जाएगी और ये भी चला जाएगा। आपको पता है इनमें से एक दो बच्चे करेंगे, बाकी सब चढ़ जाएंगे पैदल, पता है ना। क्योंकि जो छोटे हैं ना, बिल्कुल ही छोटे जो गोदी में है, बाकी छोटे मोटे थोड़ा बहुत थकेंगे, लेकिन बच्चों को आदत डाल रखी है ना पैदल चलने की, पैदल चल के आ रहे हैं मस्ती में आराम से। इतना भी चल के आ गए वही बहुत है कि वहां से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये मस्ती मस्ती में सब कुछ कर जाते हैं बच्चे। ये भाई साहब आगरा से, तो आप यहीं रह रहे हो क्या? पंद्रह साल से? अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ। लो भैया अंकल आंटी मिल गए, मैं अभी वहां तक होके आई थी फिर वापस आ गई। आओ, है ही नहीं ना, भीड़ ज्यादा है ही नहीं, तो फिर लगता है कि वैसे जानवर वगैरह तो नहीं है इतने, अभी तो अंदर होंगे। मैडम जी, मैं 2006 में जाता था मोनी बाबा, ये मुझे रोड टोकता था, मेरे पर्चा नहीं था, आओ बाजी चाय पियो, आओ बाजी पाए पियो। मैं इससे दूर चलता था, भाई क्यों मेरे पीछे पड़ा है, तब मैं योगले के तरह में रहता था। अच्छा अच्छा। फिर एक दिन इसने घर घर की चाय चलाई, तब से आज तक इसके मित्र सही हो गए, रोज चाय पी रहे हैं। आंटी कह रही है वही है तेंदुए, बस और कुछ नहीं है। राम राम जी, राम राम। मैं अभी कहती आ रही थी कि जानवरों की आवाज हमें पहचाननी होती है, इशारा कर देते हैं। परसों की बात, भाई साहब को तेंदुआ दिखा था है परसों, और कह रहे लंगूरों ने जाने नहीं दिया, चिल्ला लंगूर इतने चिल्लाए, फिर मैं लौट गया, मुझे डर लगा कि कोई है। देखा आपने लेपर्ड? मैंने देखा 2018 में, देखा ऐसे ही मैं ऊपर रोड पर रनिंग कर रहा था, 8 बजे फरवरी में जल्दी चला गया था, तो लंगूर मुझे बहुत चिल्ला रहे थे, मैं फिर भी आगे गया, फिर चिल्लाए, फिर मैंने देखा तो ऊपर एक हिरन को मार के खड़ा था, तो इनको वो बात याद आ गई होगी। आपने देख लिया, भाई साहब भी बता रहे कि लंगूर उस पे नाराज हो रहे थे पिछली बार भी, और अभी भी मतलब गुस्सा हो रहे थे कि इशारा कर रहे थे कि चले जाओ। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जब जानवर, जो बंदर हैं, बंदर भी जैसे लंगूर हनुमान जी का ही रूप है देख लोगे, तो वो स्वरूप है, तो वो कह रहे कि बर्ड्स आवाज करेंगी, मोर आवाज करेंगे, और कुछ ना कुछ आपको ऐसे वो मिल जाता है। और उन भाई साहब बोल के गए हैं आज तो क्योंकि मैं जल्दी निकली थी ना, जल्दी आ गई, कह रहे अभी जल्दी मत आना। मैंने कहा हाँ जी, वो भाई साहब दिखे मुझे तभी मैं उनके पीछे गई। आंटी ने बड़े हंस के कहा अरे तेंदुआ था, उससे क्या डरने की चीज है। तेंदुआ जनरली अटैक करता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिरन बहुत है, मुर्गे बहुत है, ऐसे अटैक नहीं करते जब उनको खाने, डॉग बहुत हैं, कुत्ते बहुत हैं, अगर उनको खाने की चीजें मिलेंगी ना, दिखेंगी, तो वो अटैक नहीं करते हैं, इंसानों पे वो अटैक नहीं करते हैं। आंटी ने चाय की वो कर दी, तो चाय की क्रेविंग हो रही है, लेकिन जाके मैं पहले दूसरी ड्रेस पहनती हूँ और अपने प्राणायाम और योग करती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। बढ़ती उम्र के साथ साथ दोनों चीजें करनी शुरू कर दी हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन पे भी, और स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया है। पूरे बाबा ये देखो, कितने मुर्गे, कितने मोर, मैंने जीवन में नहीं देखे कभी हैं, इतने सारे एक साथ। ये सब इसीलिए है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, और मैं बड़े स्लो स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। देखो
इतना आनंद आता है ना जब ऐसे प्रकृति को देखते हैं। देखो यहाँ दाने डाले हुए हैं तो इसीलिए उनको खाने आ रहे हैं। मेरे को ना साइड से निकलना चाहिए, डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो डर के मारे भाग जाएंगे। बाबा वगैरह डाल के जाते हैं यहाँ पे तो वही खाने आ जाते हैं। देखो आटा आएंगे अभी थोड़ी देर में। इस रोड का ना रिपेयर नहीं किया गया है। अभी जो खच्चर वच्चर जा रहे थे ना मतलब खच्चर अभी निकले के गए उधर से तो उनसे लाके मिट्टी को भर दिया गया है। मतलब मिट्टी भर दी गई है तो पूरी तरह से अभी रिपेयर नहीं हुई है, जिसको कहते हैं ना गड्ढों को भर दिया गया है। ये रहे ना बजरी वगैरह से ला के गड्ढों को भर दिया गया है। देखो कितने मोटे मोटे आंवले हैं। आंवले के पेड़ ना अभी बड़ा हो गया तो दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आंवले कभी दिखाई नहीं देते थे। आंवले भी चुराने का मन कर गया। ये देखो आंवले तो मन कर गया। और यहाँ पे कोई ना आता नहीं है। ये देखो ये कितने बड़े बड़े आंवले, ऐसे ही गिर जाएंगे ये। लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग गायब हो गए हैं। और 10 हज़ार लोग डेली देखते थे, अब 4 से 5 हज़ार लोग गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वीडियो ही नहीं देख रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं भैया, वीडियो देख लो आप। 10 मिनट वीडियो देखने में क्या हो जाता है, आपका सपोर्ट मिल जाता है हमें और आपको दिखा देते हैं, ऋषिकेश भी दिखा देते हैं, गंगा जी भी दिखा देते हैं, कभी कभी बाहर भी ले जाते हैं। तो चैनल देख लिया करो भैया। आठ पाँच पे पहुँच गए, 9,137 स्टेप हो गए हैं, 7 किलोमीटर 6.98 29 फ्लोर चढ़ के आई हूँ, 828 कैलोरी। आधा पौना घंटा व्यायाम व्यायाम करने के बाद दाल बना रही हूँ। मैं तो पूछता हूँ कि वो आई थी लेट तो वो दाल चावल खाती है और इनको जी भी आ रही है हमारी। और चाय बन रही है, प्राण निकलने को हो रहे थे। इधर ये चाय चढ़ाई हुई है। रिंकू बीमार क्या हुई, रिंकू की चाय बंद कर दी डॉक्टर ने। अब रिंकू देखना पतली हो जाएगी सबसे ज्यादा। मैं शिवांगी को बोल रही थी, मैंने कहा शिवांगी आजा बेटा, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं जाऊंगी तो फिर दिया भी जाएगी, तो मैंने कहा बेटर है कि तू ही आ जा। तो बोल रही है मम्मी अभी 1-2 साल और रुक जाओ, बताओ इतना लंबा पीरियड होता है बच्चे का, या तो आएगी नहीं आएगी तो फिर 4-5 साल रहते हैं। ये दूर की उसमें ये प्रॉब्लम है, कोर्स करना है उसको, वो 2 साल का उसमें टाइम लगेगा। मैंने इधर बोल दिया मैंने कहा टिकट के पैसे फिर से ले लियो आधे, क्यों बच्चे को ना अपने अपने पैसे बचाने होते, तो मैंने कहा आधे मेरे से ले लेना आधे तू दे लेना। दिया का तो कभी मन होता है जाने का, कभी होता है नहीं जाने का, वो कन्फ्यूज चल रही है। दी आ गई है, उसकी प्लेट लगा दी है। किरण जी और अरविंद जी आए हैं, और आप लोग बहुत से पूछते हैं ये गंगा वाटिका में रह रहे हैं 15 दिन के 72,000 72,000 पर एयरबीएनबी में रह रहे हैं। टीवी नहीं है, टीवी नहीं है। इसलिए व्लॉग भी नहीं देख पा रहे, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के ना। हाँ नहीं आपसे मिलके ये अच्छा लगा। हवा बहुत साफ है। हाँ मौसम के हिसाब से काफी अच्छा है। दिल्ली का लोकल बहुत अच्छा है। दिल्ली से तो कर बहुत अच्छा, दिल्ली से तो बहुत बेटर है। पर अच्छा लग रहा है इनको, लेकिन अभी है ना कि पहली बार आए तो आगे ऑप्शन और दिख जाएंगे, है ना। यहाँ के एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया भाई साहब, बहुत पैदल घूमते हैं आगे। आज नाम भूल गई मैं, जो मिलने आते हैं ना उनके नाम भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं पूरे दिन में। उसके बाद मैं सुबह गई थी, सुबह नीलकंठ रोड पे गई, वहाँ मैंने आपको खुद बात सुनवाई। आप लोग मेरे को कहते हो कि जंगल में मत जाओ, तो मैं यही कह रही थी कि जंगल में जानवर बंदर वगैरह कोई अलर्ट कर देते हैं आपको कि कोई जानवर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इंसान। अब आप देखिए उज्जैन में जो लड़की के साथ हुआ, छोटी सी बच्ची के साथ हुआ, तो वो तो उज्जैन महाकाल की नगरी, आप अगर उसमें देखते, ये मैंने न्यूज़ ना एक दिन बाद देखी है, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ देखते नहीं है तो पता नहीं चलता। जब देखा तो एकदम दिल धक से रह गया कि महाकाल थाना, महाकाल उज्जैन थाना महाकाल ये लिखा हुआ था। कितनी शर्म की बात है जिसने छोटी बच्ची के साथ रेप किया, और वो कितने ही एरिया क्रॉस करती करती, पता नहीं 2-3 किलोमीटर कितना गई है,
लोग सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं उस बच्ची को, और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि उसको भगा रहे हैं। ऐसे करके साफ आ रहा है कि उस लड़की को भगाया जा रहा है, मतलब इशारा करके आगे चलो आगे चलो। एक बार पूछते तो सही कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, कल को आपका भी बच्चा हो सकता है। तो जानवरों का खतरा नहीं है, इंसानों का ज़्यादा खतरा है, उनसे बच के रहिए। और देखिए, वहीं पे रहे हुए एक गुरुकुल के शिक्षक ने उनकी हेल्प करी, सहायता की, और फिर जाके पता लगा और अपराधी भी पकड़ा गया है। तो आप जानवरों से ना डरें, वो कभी मैन ईटर होगा तभी खाएगा, अन्यथा नहीं खाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें जो कि बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।